करो का देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने छत्तीसगढ़ में अपना डेरा जमाया हुआ है। वहीं बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में है, जहां दौरे के दूसरा दिन सीएम योगी तूफानी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक 5 जिलों की 6 विधानसभाओं में वो जनसभा करेंगे, जहां सीएम योगी नक्सल प्रभावित बस्तर और सुकमा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी राजनांदगांव में रोड शो करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार करेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में है और यही वजह है कि चुनाव चाहे किसी भी प्रदेश में हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों की मांग होती है, जनसभाओं की मांग होती है। ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में पूरे रंग में नजर आ रही है। वहीं आज का महामुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज का महामुकाबला होगा और दोनों टीम खिताब की दावेदार मानी जा रही है, या यूं कहें कि मजबूत दावेदार मानी जा रही है। ये महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1:30 बजे का वो समय होगा जब होगा। इस दौरान दोनों टीमें लीग स्टेज के 36 मैच खत्म होने के बाद पॉइंट टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग और धुंध के संकट का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। हर तरफ कोहरे की तरह नजर आने वाला स्मॉग छाया हुआ है, जिस वजह से लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वही आयनगर में AQI 464, द्वारका सेक्टर 8 में भी AQI 486 और जहांगीरपुरी में भी 463 के साथ ही ITI एयरपोर्ट के आसपास का AQI 480 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके का भी AQI बहुत बड़ा हुआ है, जबकि अगर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 44, तो वही अगर हम यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां का भी AQI 312 है। और लखनऊ में भी आज सुबह धुंध की एक चादर देखने को मिली, जिसके बाद अब लगातार अस्पतालों में शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि लोगों में सांस लेने की जो परेशानियां हैं वो एकाएक बढ़ने लगी हैं। तो दिल्ली से यूपी तक हवा जहरीली हो चुकी है। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो बेहद ही गंभीर श्रेणी में इस वक्त AQI पहुंचा हुआ है, जहां लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही जो दिल्ली है वहां पर फिलहाल स्कूलों को भी बंद किया गया है, ताकि बच्चों में इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को ना मिले। लेकिन चूंकि दिल्ली से सटा गाजियाबाद है, तो ऐसे में गाजियाबाद का भी AQI बेहद ही खराब श्रेणी में है और अब इसका असर यूपी के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम आज के लखनऊ की AQI की बात करें तो 300 से ज्यादा AQI आज लखनऊ का दर्ज किया गया और सुबह भी लखनऊ में धुंध की एक चादर छाई हुई थी, जिसके बाद लगातार लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो बिना किसी वजह घरों से बाहर ना निकले। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का भी इस्तेमाल करें, जिससे अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। प्रयागराज से पवन और कानपुर से दीपक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रयागराज का। देखिए, अगर हम बात करें पवन, तो लगातार जो AQI है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। दिल्ली से सटा है गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद अब अन्य जो जिले हैं वहां का भी AQI बेहद ही गंभीर हो चुका है। ऐसे में अगर आज हम प्रयागराज की बात करें तो AQI कितना दर्ज किया गया और क्या आप प्रयागराज में भी धुंध की चादर देख पा रहे हैं क्या? दिल्ली की बात करें तो लगातार जो वायु प्रदूषण है उसमें कहीं न कहीं लोगों को परेशानी की तस्वीरें वो हमने देखी। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज 321 IQ लेवल पहुंच गया है, तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। हालांकि जो वायु प्रदूषण नियंत्रण कक्ष है वो लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो बीते कल देर रात से ही प्रयागराज में जो
धूम से बहुत साफ तौर पर देखी जा रही है। और अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो इस समय करीब 12 बज रहे हैं, और 12 बजे भी अगर आसमान की अगर बात करें तो जो धुंध की एक काली चादर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी दिखेगी, क्योंकि इसमें सांस लेने की तमाम ऐसी जो परेशानी है वो सामने आएगी। हालांकि लोगों को एहतियातन ये कहा जा रहा है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले, और घरों से निकले तो मास्क लगाए। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि आखिर जिस तरीके से लगातार ये जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, आसमान में काली चादर है वो दिख रही है, और लगातार जब जिस तरीके से ये तस्वीरें दिख रही है ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो प्रयागराज में भी बढ़ रहा है, और ये चिंता का विषय कहा जा सकता है। क्योंकि हम वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन कानपुर से दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, प्रयागराज की तो हालत बदतर है, जिस तरीके से लगातार पवन जिक्र कर रहे हैं कि एक धुंध की चादर छाई हुई है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऐसे में कानपुर का भी AQI क्या लोगों को परेशान कर रहा है क्या? जी आपको बता दें, जिस तरीके से अगर कानपुर के AQ की बात की जाए तो लगभग 300 से ऊपर AQ यहाँ का भी माना गया है, और अगर धुंध की बात करें तो अभी लगभग समय 12:15 हो रहा है। कानपुर में भी धुंध जो है छूती नहीं, कानपुर में भी अंधेरा टाइप का छाया हुआ है। अगर बात करें कानपुर की कल की, तो कल 2 बजे के बाद से ही वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था कि लोग जो है 2 बजे के बाद ही जो वाहन चल रहे थे वो लाइट जला के वाहन चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा गया, जिस तरीके से लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो है वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आसमानों में धुंध छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर के जो वायु प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि पलाली जैसी जो घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आती हैं, जो जलाई जाती हैं, उन पर रोक लगाई जाए, और लोग बिना वजह बाहर ना निकलें। जब बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। अगर बात करें पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में अक्सर देखा जाता है कि पलाली जलाने की कई शिकायतें आई हैं, तो उस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है इसको कम किया जा सके। जी ठीक है, देखिए पवन लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कानपुर से भी हमारे साथ, जिन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 12:15 का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी धुंध की चादर देखने को मिल रही है। और आपने भी जिक्र किया कि प्रयागराज का भी मौसम कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है, ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लोगों को चेतावनी दी जा रही है? क्योंकि देखिए पवन, अब ये मसला कुछ दिनों बाद और गंभीर हो सकता है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ जाएगा, ऐसे में लाजमी है लोग पटाखे जलाएंगे, लेकिन अब उससे पहले जो वायु की गुणवत्ता खराब रही है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्या प्लान है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपने कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली का पर्व है, और जिस तरीके से प्रयागराज की तस्वीर हम बीते देर रात से ही देख रहे हैं, लगातार आसमान में जो काले बादल है वो दिख रहे हैं, जो धुंध की चादर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में जब दीपावली का पर्व नजदीक है, ऐसे में जब तमाम जो वो पटाखे जलेंगे, तमाम तरह का प्रदूषण है वो फैलेगा, तो कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है उसको और बढ़ने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के जो अधिकारी है वो जो काम कर रहे हैं, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण कक्ष है वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अभी तक आला अधिकारी है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने आप को इस वायु प्रदूषण से बचाएं, लोग मास्क का इस्तेमाल करें, और तमाम तरह की जो बचाव की उनके जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले। हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीरें वो साफ तौर से एक चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि प्रयागराज में बीते कल देर रात से ही जो मौसम है वो लगातार इस तरीके से लग रहा है, जैसे हम अमूमन ये हम तस्वीरें जनवरी के आसपास देखते हैं, जब देर रात से कोहरा छाया होता है और जब दोपहर तक वो पूरा दिखता है, कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम समय की बात करें तो करीब 12:15 बजा है, और इस समय भी आसमान में जो धुंध है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ठीक है दीपक, देखिए ये जो स्थिति है ये बेहद चिंताजनक है, जो तस्वीरें हैं वो भी अब लोगों को परेशान करने लगी है दीपक, क्योंकि लगातार जो सांस लेने में जिन मरीजों को दिक्कत हो रही है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों में ये समस्या भी लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में अस्पताल कितने तैयार नजर आ रहे हैं समस्या से निपटने के लिए?
मुस्कान देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में ये देखा जा सकता है कि कई बार लापरवाही बरती जाती है, लेकिन हाल ही में जो है कानपुर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और अस्पतालों में जो है बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, कर्मचारी जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वायु प्रदूषण जो गुणवत्ता है वो काफ़ी खराब हुई है, तो ये चिंता का विषय बना है, क्योंकि बुजुर्ग जो अस्पताल में है उनको लेकर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से आदेश दिए हैं कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, साफ सफाई रखी जाए और जो भी अस्पताल में लोग आ रहे हैं उनका बेहतर ख्याल रखा जाए। हालांकि वायु प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार ये अपील कर रहे हैं, जिस तरीके से आगे आने वाला त्यौहार यानी दिवाली मनाई जाएगी तो लोगों से ये अपील की जा रही है कि पटाखे जो हैं वो जरूरत भर ही जलाएं, ज्यादा पटाखे न जलाएं, जिससे कि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता और ज्यादा खराब ना हो। तो लगातार अधिकारी बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो है दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें, जितना आप सतर्क रहेंगे उतने ही सुरक्षा बढ़ती रहेगी। जी ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद आगरा से हमारे सहयोगी जीशान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए दीपक, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाया जा रहा है, लेकिन जब भी कानपुर का जिक्र होता है तो कानपुर एक बड़ी उद्योग नगरी है, ऐसे में लाजमी है कि वहां पर तमाम तरीके के उद्योग भी संचालित हो रहे होंगे और प्रदूषण का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्ट्रियों को माना जाता है, उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाला कूड़ा कचरा, ऐसे में उस पर किस तरीके से नियंत्रण लगाने की तैयारी में है प्रशासन? दीपक बिल्कुल सही है, जिस तरीके से कानपुर एक उद्योग नगरी है और कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो ये देखा जाता है कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं वो आसमान में धुंध जैसा छाता है। हालांकि जब वायु प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण से अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो ऐसी फैक्ट्रियां हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और उनको सीज किया जाएगा और मानक के अनुसार फैक्ट्रियां चलेंगी, लेकिन अभी तक कानपुर में ये देखा गया है कि किसी भी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। खाना पूर्ति करते हुए उनको नोटिस दी जाती है, लेकिन जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं या जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो मालिक हैं, उन पर कोई भी अभी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि ये रोका जा सके। लगातार ये देखा गया है कि फैक्ट्री से सबसे ज्यादा जहरीला धुआं निकलता है और इसके बाद वायु गुणवत्ता जो है वो कानपुर की खराब देखी जा रही है। अभी भी टाइम इतना हो रहा है लेकिन आसमान में धुंध जैसी छाई हुई है, अंधेरा जैसा बना हुआ है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि जो वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं वो किस तरीके से इन जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं जो फैक्ट्रियां मानक के अनुसार चल रही हैं उनको क्या नोटिस दी गई है, तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। ताजनगरी आगरा से जीशान भी लगातार अब हमारे साथ बने हुए हैं। जीशान, देखिए ताजनगरी आगरा जहां पर हजार से ज्यादा पर्यटक यूं कहे कि हर दिन देखने को मिलते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, ऐसे में अगर हम ताजनगरी आगरा की बात करें तो ताजनगरी आगरा का जो प्रदूषण का लेवल है, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो AQI पर्यटकों को और साथ ही आम जनता को कितना परेशान कर रहा है, क्या है AQI आज का आगरा का? जीशान देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली NCR के साथ उत्तर प्रदेश के जो 16 जिले हैं उनमें भी जो प्रदूषण है उसका खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस प्रदूषण के खतरे की अगर बात करें ताजनगरी आगरा की, तो ताजनगरी आगरा को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम अगर पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो बीते दिन की अगर लेवल की बात करें तो 201 पॉल्यूशन लेवल था, और अगर हम आज की बात करें तो 200 का पॉल्यूशन लेवल आज भी है, तो कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन लेवल है इसका खतरा लगातार जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें आने वाले त्योहार की तो दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस पर्व को पूरे देश में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है और इस पर्व पर बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी भी चलाते हैं, तो कह सकते हैं कि अगर आतिशबाजी चलाई गई और पॉल्यूशन लेवल की 200 जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर 200 पॉल्यूशन लेवल है तो आतिशबाजी नहीं चलाई जाएगी, अगर 200 से लेवल नीचे है तो आतिशबाजी चलाई जाएगी, तो कह सकते हैं कि अभी अगर फिलहाल की बात करें तो लेवल 200 के पार ही चल रहा है और अगर आतिशबाजी इस लेवल पर चलाई गई तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का खतरा है पूरे ताजनगरी आगरा में बढ़ सकता है। और ताजनगरी आगरा को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल को निहारने लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या भी देखी जा रही है, जैसे कि आंखों में जलन हो,
और सीने में जलन हो, फेफड़ों में, दिल में, मतलब तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। बिल्कुल जिशान, आपने ठीक जिक्र किया कि अक्सर पर्यटक जो है वो ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन अब ताजमहल भी प्रदूषण के चलते कहीं ना कहीं वो खूबसूरती को खोता हुआ लगातार नजर आता है, इसका जिक्र भी तमाम एक्सपर्ट्स करते हैं। लेकिन देखिए जिशान, AQI तो गंभीर है, बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया, और ये तस्वीरें लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन दीपक, लगातार कानपुर से भी जिशान हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पश्चिमी यूपी में पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। जो सरकार है, शासन है, उसकी तरफ से जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया गया है, साथ ही पराली ना जलाने की किसानों से अपील की जा रही है। लेकिन क्या शासन के निर्देश का असर जिशान धरातल पर दिख रहा है क्या? जिशान जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पॉल्यूशन विभाग है उसने साफ तौर से निर्देश दिए हैं, जो पराली जलाते हैं उनको लेकर चेतावनी दी है कि इस तरीके जो पराली जलाई जाती है उसको ना जलाएं, अगर जलाता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो पॉल्यूशन विभाग की एक बैठक भी हुई है, वहीं ताजनगरी आगरा में भी पॉल्यूशन विभाग अलर्ट है, वो तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं जिससे कि आगरा के लोग बच सकें, क्योंकि आगरा में ज्यादा समस्या देखी जा रही है, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है AIQ की बात करें तो वो लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने जो पॉल्यूशन अधिकारी हैं आगरा के, उनसे भी बात की तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो आगरा का एयर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर ये लेवल बढ़ता गया तो आगरा, ताजनगरी आगरा के लोगों के लिए बड़ी समस्या भी बन सकती है। जी ठीक है, दीपक एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। देखिए लगातार आप लोग यही जिक्र कर रहे हैं कि प्रशासन काम कर रहा है ताकि AQI को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें और अगर आज इन दोनों ही दिन को कंपेयर किया जाए तो AQI गंभीर हो रहा है। आज अगर सुबह की तस्वीरों पर गौर करें तो दीपक आपने भी देखा होगा सुबह भी जबरदस्त तरीके से धुंध छाई हुई थी। ऐसे में क्या वाकई ये सच माना जाए कि जमीनी स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए? जी मुस्कान, आपको बता दें जिस तरीके से आज का देखा गया कि किस तरीके से सुबह से ही धुंध छाई हुई है, और अगर अधिकारियों की बात, प्रशासन अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं और कार्रवाई के भी काम कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अधिकारी जो प्रदूषण विभाग के हैं वो अपने AC रूम में बैठे केवल फाइलों में ये दिखाया जा रहा है कि धरातल पर काम हो रहा है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं और सामने तस्वीरें निकल के आती हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से धुंध छाई है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते नजर आते हैं। अधिकारी जो है गोलमोल जवाब देते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन अभी तक ऐसा कानपुर में नहीं देखा गया। जब हमने प्रदूषण बोर्ड अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सारी कंडीशन सही है और कानपुर में लोगों से अपील भी की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहां पर पराली जलाने की सबसे बड़ी समस्या आती है, लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो ज्यादा पराली जलाने की समस्या आती है जिससे कि प्रदूषण बहुत ज्यादा उसका गुणवत्ता खराब हो रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले करोड़ों लोगों को एक विशेष तोहफा दिया है जिससे देश के गरीब घरों को और बड़ा लाभ होने वाला है। पीएम मोदी ने फ्री राशन योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 5 साल के लिए और ज्यादा बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि पीएम मोदी के इस बड़े फैसले के बाद यूपी के करीब 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा लाभ पहुंचने वाला है। खबर अलीगढ़ से है जहां देर रात डॉक्टर की गैर मौजूदगी में वाईके द्विवेदी हॉस्पिटल में मौजूद कंपाउंडर ने दस्त का इलाज कराने पहुंचे एक बच्चे को दवाई के हैवी डोज दिए जाने के चलते उसकी मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की ओर से बच्चे को दवाई के हैवी डोज देने वाले कंपाउंडर को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल के अंदर और बाहर सड़क पर जमकर हंगामा किया है। अस्पताल परिसर में मृतक बच्चे के परिजनों द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल परिसर में हंगामा कर रहे मृतक बच्चे के परिवार के लोगों को अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया है। दवाई लेने बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, सुबह दस्त हुए थे बच्चे को, उसके बाद दस्त होने के बाद सुबह दवाई दी गई है यहाँ से,
दवाई देने के बाद 10:15 हुए 3 बजे का, मैंने फिर शाम को फिर देखवाया, फिर यहाँ से फिर दवाई दी गई है बढ़ा के। बोले सर तो इसमें जो अगर फ़ायदा करे तो दवाई थोड़ा कम लेना, और नहीं करे तो डबल डोज दे देना इसे। दस्त बंद हो गए सुबह का, सुबह फिर दवाई गई है यहाँ से, दवाई देने के बाद दस्त बिल्कुल बंद हो गए, थोड़ा सा बुखार बढ़ा था शाम को 3 बजे करीब। 3 बजे बुखार बढ़ने के बाद मैं बेटा अभी डॉक्टर साहब नहीं बैठे होंगे, मैं 5 बजे आप डॉक्टर साहब को दोबारा देखवाएँ, यहाँ पर लेके आई हैं। यहाँ पर लाने के बाद दूसरा बोला है, बोले बुखार के लिए पट्टी रख दो, अभी देख रहे हैं। क्या आपके पास डॉक्टर थे? ना कोई डॉक्टर था, कंप्यूटर देख रहा था कंप्यूटर ही सीट। जब आप यहाँ पर आए थे डॉक्टर मौजूद नहीं थे? दवाई कुछ नहीं दीजिए, ये सब कंप्यूटर दे रहे हैं जो भी हैं, ये वो भी बीए करा है। क्लिनिक का नाम क्या है? भाई के द्विवेदी। अब खबर हरदोई से है, जहां धन परिवर्तन नहीं करने पर गैर समुदाय के युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज की है। महिला का आरोप है कि मुस्लिम युवक झोलाछाप डॉक्टर है, उसका बेटा बीमार था, ऐसे में उसने मुस्लिम युवक को घर दवाई देने के लिए बुलाया था। इस दौरान उसने अश्लील फोटो वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, साथ ही धन परिवर्तन कर शादी का जोर जबरदस्ती दबाव भी बनाने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम युवक ने घर में घुसकर मारपीट के, फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी किया है, और मामले में आगे की कार्रवाई में भी पुलिस अब जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला पिहानी थाना क्षेत्र का है। रहने वाली है एक महिला है, उम्र करीब उनकी 35 वर्ष है। ये अपने मायके पिहानी थाना क्षेत्र में गई थी, वहाँ पे इनका कहना है कि गाँव का ही एक युवक जो दूसरे समुदाय का है, इनके घर में घुस के जबरन इन पे शादी का दबाव बनाने लगा और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना, विरोध करने पे इनके साथ जो है मारपीट गाली गलौज किया। इस पे अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। ये सीबू इसका नाम है सर, झोला छाप डॉक्टर है, कोई डिग्री है नहीं, घर घर ऐसे दवा देता है, छोटा बच्चा है हमारा, उसी दवाई के लिए हमने इसको बुलाया था। अब पता नहीं कैसे इसने हमारे फोटो खींच लिए, वो फोटो इसके मोबाइल में गंदे संदे हैं, उसी फोटो द्वारा हमको ब्लैकमेल करता रहा। आज 5 महीने पहले नाजायज संबंध भी हमसे बना चुका है, फिर हमारे फोटो इसने इंटरनेट पे इसने वायरल कर दिए, सब हमारी पूरी दुनिया हमारी बेइज्जती करवा के, फिर हमने इसका ब्लॉक में नंबर डाल दिया, हमने बात नहीं की इससे 4-5 महीने। फिर हम अपनी मम्मी के यहाँ आए, इसको पता लगा कि अपनी मम्मी के यहाँ आ चुकी है, तो इससे हमारे घर में आके 8 बजे सुबह इसने हमको धमकाया कि हमसे शादी करो। तो हमने इससे कहा कि हम शादी आपसे कैसे कर सकते हैं, आप मोहम्मदन और हम हिंदू हैं। तो इसने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो, और जब हमने मना किया तो सर हमको मारा तमंचे बेटी बेटी से, अब बहुत मारा, सर फोड़ दिया, गर्दन पे लात रख दी, अंगूठा तोड़ दिया। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों की पोल विभागीय अधिकारी ही खोल रहे हैं, जहां कुशीनगर जिला अस्पताल में हालत बेहद खराब है। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को सुविधाएं मिलना तो दूर उन्हें फर्श पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक महिला और पुरुष मरीज का फर्श पर लिटाकर इलाज करने का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HS राय ने बताया कि मरीज को फर्श पर लिटाकर इलाज कराने का मामला संज्ञान में आया है। ज्यादा मरीज आने की वजह से उनका इलाज जमीन पर किया गया और फिर उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी किया गया है। आपके मरीज भर्ती माने का है, भुइया सुधे लेवर है, बैठने के बोलो, कब से भर्ती माने जा रात से, स्टाफ लोग का कहता, हम लोग कॉल कर ले स्टाफ से कि बेड के नहीं क्या होता, कॉल आलो नीचे सुता है, कहाँ ना होता, कहाँ घर पड़ रहा। अगली खबर झांसी से है, जहां बदमाश ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बदमाश ने वर्तमान सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पथ के नाती को पड़ोसी ने गोली मार दी और गोली मंत्री के नाती के जबड़े के आर पार हो गई। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घटना की सूचना पर राज्य मंत्री के बेटे चंद्रशेखर, पुलिस कप्तान राजेश S समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जबकि गोली मारने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया, वही पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई है।
भरत यादव ने गोली मारी लड़के किसको गोली मारी लड़के को हमारे प्रवीण क्या हुआ बात क्या है कुछ नहीं है सर भंडारा था नव दुर्गा में तो ये भरत यादव दारू पी के आया हमारे घर के सामने हो रहा था माता बैठी थी भंडारा हो रहा था हमारे घर की आ गई तो वो उसको जिसने खाना बनाया तो वो गरीब है तो उसको मार रहा था जी दारू पी के तो प्रवीण और मोहल्ले वालों ने कहा कि क्यों मार रहे उसे तो गरीब आदमी हो क्यों सता रहे तुम क्यों मार रहे उसे है तुमने भंडारा खा लिया अपने जाओ घर पे बस इतनी सी बात की उसने तब से वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल के आज उसने गोली मार दी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसने गोली मारा है वो पड़ोसी और मित्र भी है और जिनको गोली लगी उनको मैंने अभी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में देख के मैं निकला हूँ अभी उनका जबड़े में लेफ्ट साइड में गोली का एंट्री वुंड है और राइट साइड में एग्जिट वुंड है अभी कतरे से बाहर है ऑपरेशन हो गया है और मामूली विवाद है वो भी मैं परिवार लोगों से बात करने में पता चल गया विवाद क्या है और यहाँ का बात है कि ये दोनों मित्र के बावजूद जो अक्यूज्ड है जिसने गोली लगाया मारा है वो नवदुर्गा के दौरान ये व्यक्ति से विवाद कर रहा था उस विवाद को मित्र के नाते विक्टिम ने उनको रोका है। रुक करते अगली खबर का जहां गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में बीते दिन बेटी के देर से आने पर गुस्साए पिता ने दुकान मालिक पर कृपाण से हमला कर दिया। घायल बंटी को परिजन पहले मोहन नगर के नरेंद्र मोहन अस्पताल में ले गए फिर वहां से मैक्स वैशाली उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल अब उसकी हालत स्थिर है। वही पुलिस ने बताया कि सचिन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था और शनिवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जिस कृपाण से हमला किया था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।